दोस्तों, कोई भी स्पीकर हो उसमें जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये इसकी किट होती है, ये 7 mm की है। ये जितनी हैवी होगी उतना ही स्पीकर का रिजल्ट आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। अगर ये कम होगी तो आउटपुट में वो बात नहीं होगी। इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वॉइस कॉइल हमने कहाँ सेट करनी है। पहले इसको देखना पड़ता है, उसके हिसाब से कॉइल को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ये 155 mm का स्पीकर है और 7 mm की किट है। 7 mm हम इस पे ऐसे रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे रखा हमने 7 mm, इसका ऐसे निशान लगाया। लगभग इतनी हमारी ये वाली किट का साइज है। ये वाला जो बचा है यहां से यहां तक, हम इसको हाफ करेंगे। अब ये 3 हिस्से हो गए, 1, 2, 3। ये 2 हिस्से, ये वाला, इतनी क्वेल को हमने अंदर डालना होता है और इतनी क्वेल ये वाली हमने बाहर रखनी होती है, इतनी टर्न ये वाली, तो अच्छी बेस आएगी और अच्छा आउटपुट मिलेगा दूसरों से ज्यादा, और आवाज फटेगी नहीं। कई लोग करते हैं, हाँ भाई 2 टर्न ऊपर दे दी तो वो उससे कुछ नहीं होगा। जितनी किट होगी उसी हिसाब से ही ये वाली सेटिंग करनी होगी। जैसे ये है, ये 8 इंची से दिक्कत है, ये भी 7 mm में है। और अब देखा जाए तो अब इसको लगभग 5-6 टर्न ही है, इसका हाफ करेंगे तो लगभग 2-3 टर्न ही आएंगी जो ऊपर दिखेंगी, बाकी सारी क्वेल अंदर जाएगी, जिससे आवाज बहुत बढ़िया निकलेगी। अगर आप इसको आधी बार रख देते हो या तो आवाज फटेगी और आवाज कम या ज्यादा आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।